नमस्कार साथियों, अगर आपने अपने बाग में गोबर का खाद डाला, जो मार्च में किसान लगभग किसी प्रकार की बागवानी हो सभी डालते हैं खुदाई करके, तो गोबर डालने के की खाद डालने के बाद अगर महीने बाद हमारा पौधा एकदम स्ट्रेस में लगे, पत्ते जड़ने लगे और सूखने लगे एकदम बिल्कुल, जैसे पौधा मुरझा जाए, तो इसका मतलब उसकी जड़ों में दीमक, वाइट ग्रब या सफ़ेद लट का अटैक हो चुका है। तो उससे हमारे को कैसे ट्रीटमेंट करना है मैं आज उसके बारे में बताऊँगा आपका। आप ये मेरा प्लांट देखो, ये इन प्लांट के साथ का ही है। जब मेरे को भी इतना पता नहीं था, मैंने गोबर की खाद डाली तो एकदम मेरे बाग में 20 पौधे एकदम स्ट्रेस ले गए थे और बिल्कुल वो सूख चुके थे। तो फिर मैंने इनको ऑर्गेनिक सेटअप पे करके बचाया। तो आपने गोबर का खाद डालना है तो उसके बाद क्या काम करना है ताकि नुकसान ना हो? साथियों, एक जैविक प्रोडक्ट आता है, ये बेवेरिया बिसियाना, जिसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जैविक प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, ये 150 रुपए का है। तो साथियों, हमने जब भी गोबर का खाद डालना है अपने इसमें बाग में, तो तुरंत पानी के साथ हमने एक एकड़ में 1 लीटर ये पाउडर चलाना है। इस पाउडर को 200 लीटर के ड्रम में 200 लीटर पानी में डाल के और 2-4 दिन रखना है, ताकि ये क्या है, ये एक मित्र फंगस है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाए थोड़ी, और फिर इसको पानी के साथ चलाओगे तो जड़ों में ये पहुंच जाएगा और ये इसके कंटेक्ट में जो भी आएगा, अंडा किसी कीट का आए या उसका लार्वा आए या मचोर कीट आए, जो भी इससे टच हो गया तो ये धीरे से उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और उसको पैरालिसिस करके ख़त्म कर देगा। ये एक ऐसा सस्ता उत्पाद है जो कीट की सभी स्टेज को ख़त्म करता है। इसका प्रयोग करते हुए हमने ध्यान रखना है भाई, खेत में लगातार हमने 15 दिन नमी बना के रखनी है भाई, पानी 3-4 दिन के बाद फिर पानी लगा दो, 3-4 पानी लगातार लगाओगे तो ये मल्टीप्लाई स्पीड में होगा, क्योंकि ये एक फंगस है और फंगस नमी में ही मल्टीप्लाई होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा। और एक बात साथियों, मेरे को तब तक पता चला इस बीमारी का, तब तक मेरे प्लांट जा चुके थे। तो हमारे को हमेशा बागवानी में प्रिवेंटिव में चलना है, बीमारी आने से पहले इलाज करना है, तो इसीलिए हमारे को मार्च अप्रैल के महीने में ये प्रोडक्ट अपने बाग में ज़रूर चलाना है, ताकि हमारे बाग को नुकसान से बचाया जा सके। और इससे संबंधित साथियों, मैं छोटी छोटी वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जो सस्ता, बिल्कुल सस्ता और देसी तरीके का काम है, वो मेरा सेटअप है, वो मेरा प्रिंसिपल है काम करने का। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को के पास जानकारी जाए और सबका बेनिफिट।